अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो ब्रेन। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैन वी यूज फैन रेगुलेटर टू कंट्रोल मोटर स्पीड, यानी कि हम हमारे घरों में जो है फैन रेगुलेटर को जो यूज करते हैं हमारे सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, क्या हम उसी फैन रेगुलेटर को अपने इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फैन रेगुलेटर होते हैं वो टोटल दो टाइप के मौजूद रहते हैं, जिसमें से एक हमारा इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर होता है और दूसरा जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर होता है। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर और इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर में फर्क क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन दोनों में पर क्या होता है। अभी हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो किस्म के फैन रेगुलेटर होते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर और एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। तो दोस्तों इन दोनों ही फैन रेगुलेटर का काम ये होता है कि जब हम इसे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस रेगुलेटर को इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं और बदले में आउटपुट वोल्टेज जब हमें मिलता है तो हम इसे अपने मर्जी से वोल्टेज को कम या ज्यादा करवा सकते हैं। तो हमारी जो ये वोल्टेज है वो ड्रॉप करवा देता है, इसी वजह से जो हमारा फैन हमारी फैन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब किसी भी इंडक्शन मोटर की जो है टर्मिनल वोल्टेज को, यानी कि इसके इनपुट वोल्टेज को कम करवा देते हैं, यानी कि डाउन अगर करवा दें तो इसकी जो स्पीड है वो खुद ब खुद डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो जब हम इसकी जो वोल्टेज कम करवा देते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है, और जैसे हम इसकी जो वोल्टेज को वो अप करवाते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो सीलिंग फैन भी हमारा एक तरीके का इंडक्शन मोटर ही है। तो जब हम सीलिंग फैन की स्पीड को इस फैन रेगुलेटर की मदद से कम करवा सकते हैं तो क्या हम अपने इस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा इंडक्शन मोटर है और सीलिंग फैन भी हमारा इंडक्शन मोटर ही है। तो चलिए दोस्तों इसके हम जवाब को यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास इंडक्शन मोटर यहाँ पे दो टाइप के हो जाते हैं, एक हमारा सिंगल फेस हो जाता है और एक हमारा थ्री फेस का मोटर हो जाता है। तो अभी हम सिंगल फेस की मोटर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर सिंगल फेस की मोटर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर फैन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक सिंगल एचपी के मोटर का डायग्राम है और यहाँ पर दोनों ही फैन रेगुलेटर मौजूद हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर फैन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रेगुलेटर को यूज करते हैं। तो हमारा जो फैन होता है वो 220 वोल्टेज का रहता है और इसकी जो एम्पेयर होती है वो बहुत कम होती है, 0.3 एम्पेयर तक इसकी जो है एम्पेयर होती है। तो जब हम इसे रेगुलेटर से कंट्रोल कराते हैं तो ये आसानी जो फैन की स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है। दोस्तों ये फैन भी इंडक्शन मोटर है। दोस्तों यहाँ पर भी हमारे इंडक्शन मोटर है, लेकिन ये इंडक्शन मोटर 1 एचपी की है और इसका जो एम्पियर है वो 5 एम्पियर है। तो क्या हम इसी फैन रेगुलेटर से इसकी स्पीड को कंट्रोल करवा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। तो हम इसी फैन रेगुलेटर से, सेम फैन रेगुलेटर से इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा फैन रेगुलेटर 0.5 एम्पियर का ही होगा, इससे ज्यादा एम्पियर का नहीं होगा, और ये हमारा मोटर यहाँ पर 1 एचपी और 5 एम्पियर का है। तो ये 0.5 एम्पियर के फैन रेगुलेटर से हम इस 1 एचपी के मोटर को कंट्रोल नहीं करवा सकते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो फैन रेगुलेटर है ये 6 एम्पियर का हो, तो फिर हम हमारे इस इंडक्शन मोटर की स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल करवा सकते हैं इस फैन रेगुलेटर की मदद से। लेकिन शर्त यह है कि जितने एम्पियर का हमारा ये इंडक्शन मोटर है उससे ज्यादा एम्पियर का हमारा फैन रेगुलेटर यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए 1.5% ऊपर ही होना चाहिए। जैसे कि 5 एम्पियर का मोटर है तो हमारा फैन रेगुलेटर 6 एम्पियर या 6.5 एम्पियर का हो, तभी हम इस मोटर को कंट्रोल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इतने ज्यादा एम्पियर का फैन रेगुलेटर यहाँ मौजूद मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है? तो दोस्तों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि 6 एम्पियर या 7 एम्पियर का फैन रेगुलेटर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इसके अलावा भी और भी यहाँ पर परेशानी का सामना आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए जब हम फैन की जो स्पीड है वो डाउन करवाते हैं तो हमारे फैन में कोई इतना खास लोड नहीं रहता है तो वो आसानी जो स्पीड कम होकर मूव करता है, लेकिन जब हम इसी रेगुलेटर से इस 1 एचपी के मोटर की स्पीड को डाउन करवाएंगे तो हमारा जो मोटर है उस पर लोड कनेक्ट रहता है तो उसकी जो ताकत है वो टोटली जो है वो खत्म होने लगेगी। मान लीजिए अगर 2 स्पीड में करते हैं तो फिर भी ताकत रहेगी, लेकिन अगर 3-4 में जाते हैं तो उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी और हमारी जो मोटर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसकी स्पीड यूँ तो स्लो हो जाएगी लेकिन वैसी वो लोड पर नहीं चल पाएगा स्पीड स्लो करने के बाद। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 3 फेज की मोटर के बारे में बात करेंगे। क्या 3 फेज की मोटर को हम फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब भी है हाँ, हम 3 फेज की मोटर को भी फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये मोटर यहाँ पर हमारे पास 8 या 10 एम्पियर का जो हमारे पास मोटर है तो हमारा जो रेगुलेटर होना चाहिए वो कम से कम जो है वो 12 एम्पियर का यहाँ पर होना चाहिए,
तभी हम इस पर थ्री फेज की मोटर को यहाँ पर कंट्रोल करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम इसे कैसे कंट्रोल करवाएंगे, क्योंकि हमने इस पर तीन फेज जो है इस पर हम इनपुट देते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर तीनों ही फेज पे इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग फैन रेगुलेटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आर रेड फेज पर, येलो वाई येलो फेज पर और बी यानी कि ब्लू फेज पर, तीनों ही अलग अलग रेगुलेटर को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तरीका क्या है कि यहाँ पर शर्त यह है कि तीनों रेगुलेटर को हम सेम ही सेम टाइम में ही मूव करें, यानी कि ऐसा ना हो कि हम पहले ऊपर वाले को मूव कर रहे हैं, फिर बीच वाले को और फिर इससे नीचे वाले को, तो इससे क्या होगा यहाँ पर अनबैलेंस वोल्टेज हो जाएगा और हमारी मोटर जो है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीनों ही कुछ ऐसा सिस्टम हमें बनाना होगा कि जब हम इसे मूव करें, यानी कि रेगुलेटर के जो नॉब होता है उसे हम जब मूव करें तो तीनों ही सेम टाइम में सेम तरीके से मूव हो, कोई भी 19-20 आगे पीछे नहीं हो, तभी हमारी जो मोटर है वो ठीक तरीके से स्पीड डाउन हो सकती है, हम इसे कंट्रोल करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी यही सवाल आता है कि इतने ज़्यादा एम्पेयर का हमारे पास जो है फैन रेगुलेटर मौजूद है मार्केट में, यानी कि 12 एम्पेयर का फैन रेगुलेटर, तो इसका जवाब भी नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्या पता मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि इतने ज़्यादा एम्पेयर का फैन रेगुलेटर हमारे पास मौजूद है। और हम अगर बात करें कि अगर मार्केट में मौजूद है तब भी हम इस फैन रेगुलेटर को अगर यूज़ करें तो हमारी मोटर की जो ताकत होती है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसकी ताकत जो है बहुत ही कम हो जाएगी अगर हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फ़ैन रेगुलेटर से आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और अगर करवा भी लें तो क्या क्या यहाँ पर आपको मुश्किल का सामना पड़ सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और सवाल ये आ जाता है कि हम फैन में तो अपने फैन की स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए तो हम फैन रेगुलेटर को यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी भी स्पीड हमारे इंडस्ट्री में कम या ज़्यादा होती है, तो उसे हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली जो है वो बकायदा एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ये इस डिवाइस में क्या होता है दोस्तों, इस डिवाइस में ये होता है दोस्तों, ये एक डिवाइस है जिसका नाम है VFD। इस डिवाइस में ये होता है कि ये जो है ना वोल्टेज डाउन करता है ना करंट डाउन करता है। इसमें क्या डाउन होता है दोस्तों, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी आपका कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो जब आप इस डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आप उसको अपनी मर्जी से डाउन कर सकते हैं, यानी कि आप 40 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, तो जब आप इसे कम करते हैं तो आपकी जो मोटर की स्पीड है वो कम होती है, लेकिन आपकी मोटर की जो कैपेसिटी होती है, ताकत होती है, वो कम नहीं होती है, वो जो है वो वैसे ही रहती है, तो आप उससे जो है किसी भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं कम स्पीड में। लेकिन अगर आप इसी रेगुलेटर की बात करें तो जब आप रेगुलेटर से कम अगर वोल्टेज को कर स्पीड को कम कर भी लें इस रेगुलेटर की मदद से, तो आपकी मोटर की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, मोटर बजाय तो मूव करती है लेकिन वो लोड उठाने के काबिल नहीं रहती है, तो इसलिए इसके लिए बाकायदा एक VFD डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इसकी मदद से ही हम इंडस्ट्री लेवल में जो है जितने भी ज़्यादा एम्पेयर के मोटर होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम करके उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करके उसकी स्पीड को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है हम हद से ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि हमारी मोटर जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती है, तो अगर हम इसे 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दे दें तो क्या होगा दोस्तों, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि अगर आप क्या हम 50 हर्ट्ज़ की मोटर को 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप 50 हर्ट्ज़ की मोटर को 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में चलाएंगे तो आपकी मोटर जो है वो चलेगी, लेकिन उस पर यहाँ पर आपकी मोटर जो ओवर रेटिंग होना शुरू हो जाएगी, और वैसे अगर आप कम फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं 40 30 20 तो इस पर आपकी मोटर को कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे बात ज़्यादा की हो रही है, 50 से ज़्यादा अगर हो जाए तो तब आपकी मोटर को जो यहाँ पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फैन रेगुलेटर से हमारे इंडक्शन मोटर को मोटर की स्पीड को कंट्रोल करवा सकते हैं, और अगर करवा भी लें तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।